तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है, तो मैं बता दूँ ये प्लांट बेस्ड मीट है जो वेजिटेरियन है उनके लिए है, इसमें कोई भी नॉन वेज नहीं है। तो चलो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो आप मेरे नए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों पहले एक पतीला ले लीजिए, उसमें सोया बड़ियाँ को भिगो दीजिए और थोड़ा सा वार्म वाटर में उसको थोड़ा सा बॉइल करो, तो कुछ देर बाद देखेंगे आप वो फूल कर डबल हो जाएंगी। मैंने यहाँ पर 2 पैकेट डाला है और पानी इतना लिया है कि वो डूब सकें, इसे कुछ टाइम के लिए रख दें। तो चलो डो लगाते हैं। तो मैंने मैदा लिया है, एक परात ले लिया है बड़ा सा, फिर उसमें मैदा डाला है, तो 1/2 किलो मैदा लिया है और इसमें 2 गिलास तक पानी लगेगा। तो पानी कम भी लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है, जब आप लगाए तो धीरे धीरे करके डालिए। तो मैंने ये पानी डाल दिया, तो इसको अब हल्के हाथ से हम गूंदेंगे पानी डालने के बाद। तो ये अब गूंद रहे हैं हल्के हाथ से, तो वीडियो में स्पीड में बना कर रहा हूँ ताकि आप जल्दी बोर ना हो और जल्दी जल्दी हो जाए। तो ये आटा लगा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा और वाटर डलेगा ताकि ये थोड़ा सा और मुलायम हो सके। हमें इसमें ग्लूटन एक्टिवेट करना है, मेन उसी का काम है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि एक हाथ से कैमरा पकड़ा है और मैं आटा लगा रहा हूँ, तो ये हमारा आटा तैयार है। अब कैमरा मैंने ऊपर रख दिया, रिकॉर्डिंग चल रही है आप, क्योंकि दोनों हाथ का काम चलेगा इसमें। तो इसे अच्छी तरह रफ करना है, इतना रफ करना है कि ताकि इसमें ग्लूटन एक्टिवेट हो जाए। तो ये देखिए आप देख सकते हैं किस हिसाब से मैं रगड़ रहा हूँ, सेम आपको ये प्रोसीजर यही करना है। तो टाइम थोड़ा लगेगा पर हाँ चीज़ अच्छी बनेगी, खाने मस्त आएगा। कुछ मेहनत करना, कुछ खाना हो तो अच्छा लगता है। तो अब हमारा आटा लग कर तैयार है, तो इसे आपको रख देंगे परात में और 10 से 15 मिनट के लिए ताकि इसमें ग्लूटन एक्टिवेट हो जाए। और कपड़े से ढक दीजिएगा, मैंने वो दिखाया नहीं है। तो अब चलो एक बर्तन में पानी लेते हैं, मैंने एक लोटा पानी लिया है, इसको डिप करके रख देते हैं और इसे हम रखेंगे 2 घंटे के लिए ताकि ये भीगा रहे और डूबा रहे, तो 2 घंटे के लिए रख देंगे। तो चलिए देखते हैं अब सोया बड़ियाँ ले लेते हैं, इसका भी पानी निकाल लेंगे, अच्छी तरह पानी निकालना है। फिर इसको मिक्सी के एक जार में डालना है, जार ले लेते हैं उसके, मिक्सी के जार में डालेंगे, इसको दरदरा पीसना है। दरदरा पीसने के बाद इसको थोड़ा सा पंखे की हवा में रख देना है, फिर सूख जाएगा वो उसका। अब चलो आटा लग हमारा हो गया है, 2 घंटे बाद हम आटा ले लेते हैं। अब इसको वॉश करना है अच्छी तरह, हल्के हाथ से रब करते रहिए और वॉश करना है। तो जैसे इसका मिल्क होगा उसका फेंक भी सकते हो, नहीं तो आटा जब आप लगा रहे हो रोटी खाने के लिए तब ये उसमें यूज़ हो सकता है। तो देख सकते हो आप, इसमें 5 से 6 बार लगेगा आपको पानी चेंज करना है। तो इसको इतना साफ़ करना है कि पानी साफ़ हो जाए, और फिर जो मेन उसके बाद का मटेरियल बचेगा फिर बताते हैं उसका क्या करना है आपको। तो ऐसे ही मैंने फिर से पानी डाला और इसको फुल करेंगे हम। पानी कंजूसी मत करिएगा और हल्के हाथों से ही रब करना है, हल्के हाथ से इसको वॉश करना है, उसमें गूंदना है एक हिसाब से बोल सकते हो। तो मैं वही कर रहा हूँ, तो आप भी देखते रहिए, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। तो देखिए फिर से पानी बिल्कुल वाइट हो गया है, तो जो पानी मैदा है वो उस पानी में आ जाता है। तब इसको हम फिर से अलग एक बर्तन में रख देंगे। तो आप देख सकते हो मैंने 1/2 किलो मैदा लिया था, 1/2 किलो मैदा लेने के बाद क्या बचा है, अब ये बचा है, जो बचा है उसको ग्लूटन टोन बोलते हैं। तो फिर से पानी लेंगे हम और हल्के हाथ से फिर से रब करेंगे। ये प्रक्रिया हमको तब तक करना है जब तक पानी अच्छी तरह साफ ना हो जाए। इसको धोते धोते ऐसा होता है ना, जैसे सर्फ एक्सल से हम कपड़े धोते हैं गंदगी साफ़ हो जाए, तो ऐसा साफ़ करना है कि ये साफ़ हो जाए। और बस पानी जब बिल्कुल साफ़ हो जाए समझ जाइए आपका मटेरियल रेडी है। तो जब भी आप खाने का मन हो, थोड़ा सा मेहनत लगे, आप बना कर देखिए। इसको फिर से इसमें पानी निकालेंगे, इसको हम बनाने के बाद इसको जब पकाएंगे, पकाने के बाद इसको फ्रीज़र में रखना है, फिर 12-13 घंटे तक फ्रीज़र में रख, फिर अगले दिन उस निकाल कर फिर उसके टुकड़े करके फिर आप किसी भी ग्रेवी और सब्जी बना सकते हो इसकी, तो आप खाने में अच्छा आएगा। तो देखिए मैं ये फिर से वॉश किया, तो पहले पानी कितना वाइट था, अब थोड़ा सा लाइट हो गया कलर, धीरे धीरे
पानी का कलर चेंज होता जाएगा धीरे धीरे, देखते रहिए। मैंने इसके लिए बहुत से शेफ़ की वीडियो देखी कि वेगन मीट क्या होता है, कैसे बनता है। फैक्ट्री में तो ये पैकिंग होकर बनता है, वहाँ पर किसी को डिटेल ज़्यादा नहीं बताते क्या क्या मिला होता है। बहुत लोग आजकल इसका स्टॉल भी लगाते हैं, चलाते हैं, बहुत लोग लाइक करते हैं इसको खाने के लिए। मैंने सोचा क्यों ना चलो घर में बनाया जाए, तो वही मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखते, फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, शायद अच्छा ही बन जाए। और मैं इसकी सब्ज़ी बनाई, बहुत टेस्ट आया था दोस्तों, आप भी एक बार ट्राई करिए तो अच्छा टेस्ट आया। ये देखिए अब पानी बिल्कुल साफ़ हो गया है, एकदम नीट एंड क्लीन हो गया, वॉश हो गया, तो इससे ये पता लग रहा है कि हमारा मटेरियल रेडी है। तब हल्के हाथ से रब करके इसको साफ़ कर लेना है, ताकि इसमें का जो हमें मेन मटेरियल चाहिए वो निकल आए। फिर उसी का आगे प्रोसीजर होगा। इसमें हम डालेंगे सोया बढ़िया की जो होता है, हमने उसका चूरा बनाया, चूरा डालेंगे, ताकि आप इसका सोया चाप भी बना सकते हो, और चाहो तो जैसे मैंने बनाया है ये भी। तब देख सकते हैं रेडी हो गया। तब इसमें सोया बढ़िया डालेंगे, इसको अच्छी तरह फैला लेना है ताकि सब जगह लग जाए। न्यूट्री बोलते हैं, तो उसका हमने क्या कहते हैं 2 पैकेट लिया था, आपको दिखाया है, पानी में बॉइल्ड किया है, फिर उसका पानी निकाला है, फिर उसका पाउडर बनाया, उस पाउडर का भी इसमें मिक्स कर रहे हैं, अच्छी तरह पूरा मिला रहे हैं, ताकि हम इससे सोया चाप भी बना सकें। और सोया चाप नहीं बना सकते तो आप इसको पीस बना कर, जैसे मीट होता है वैसे टुकड़ों में तोड़ कर बना सकते हो। तो ये रेडी हो गया है। अब इसको एक कढ़ाई लेंगे, उसमें पानी डालेंगे, मैंने इसमें मसाला डाला है, मैगी मसाला और सोया सॉस डाला है, उसमें उबालेंगे इसको, तब तक उबालना है, आधा घंटा लगेगा अच्छी तरह। अब ये देखिए पक के रेडी है, तो आप देख सकते हैं इसमें लेयर कैसे आ रही है, देखो टेक्सचर आप देख सकते हैं इसमें। तो गाइस अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और लोगों से शेयर करिए, और अच्छा लगे एक बार जरूर